हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों न्यू प्रैक्टिस सेट का यह अट्ठाईसवा वीडियो है एंड एमपी वर्क टू थ्री यू पी टी जी टी पी जी टी यू पी एल्टी ग्रेड पी पी एस सी टी आर ई फोर एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं डेली बेसिस से प्रैक्टिस करा रही हूँ दोस्तों और सभी ये सभी प्रीवियस ईयर कोशन्स में आए हुए क्वेश्चन हैं एंड बहुत सारे बुकों से कलेक्ट करके मैं इसको बना रही हूँ और इसके बाद यूथ कंपटीशन का पूरा प्रैक्टिस कराऊंगी एंड फिर अलग से जो स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चन होते हैं उसको भी हल कराऊंगी आप बस डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए थ्योरी सेशन पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए सभी टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पर थ्योरी सेशन अच्छे से पढ़ाया गया है तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है दोस्तों क्लोरोफिल किस रंग का होता है तो दोस्तों क्लोरोफिल जैसे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और यह हरे रंग का होता है ठीक है और यह सूर्य के प्रकाश जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो पौधों का रसोई घर भी उसको बोला जाता है क्योंकि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके या कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में प्रयोजित कर देता है इसे फोटोथिन पेगमेंट यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं इसका गठन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीम मैग्नीशियम के तत्वों से होता है क्वेश्चन नंबर टू है ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है तो दोस्तों आपको पता है कि ओलंपिया शहर जो है वह ग्रीस में स्थित है यूरोपीय देश ग्रीस यानी यूनान में स्थित है और इसी शहर के नाम पर ओलंपिक खेलों का कर नामकरण ओलंपिक हुआ और जैसे कि आप जानते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल सात सौ छिहत्तर ईसा पूर्व से तीन सौ चौरानवे ईस्वी तक कुल दो सौ तिरानवे ओलंपिक संपन्न हुए बारह सौ तक और तीन सौ चौरानवे ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इस पर रोक लगा दिया फिर चार सौ छब्बीस ईस्वी में थियोडोसियस सेकेंड ने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करा दिया फिर कुछ समय के बाद भूकंप आया फिर एल्फियस नदी ने ओलंपिक या के ओलंपिया को ही नष्ट कर दिया जिसमें जीएस और क्रोनोइ के पवित्र मंदिर भी नष्ट हो गए उसके बाद समय आया पुनर्जीवित करने का तो बैरन फेडिकोबार्टिन ने अठारह सौ चौरानवे ईस्वी में तेईस जून अठारह सौ चौरानवे को पेरिस के सरोबोर नामक स्थान पर आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया जिसके तहत 6 अप्रैल अठारह सौ ईस्वी में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में संपन्न हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री है सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं हु इज द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर ए सेंचुरी तो दोस्तों वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर जी जिन्होंने सबसे कम उम्र में भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट शतक बनाने बनाया है जिसने उन्नीस में ओल्ड ट्रेफोर्ड में इंग्लैंड के विरुद्ध शतक बनाया था तब सचिन की आयु जो है मात्र सत्रह वर्ष बारह दिन की थी क्वेश्चन नंबर फोर है शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें जोड़ तथा के तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते क्या कहते हैं तो दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है लंबाई भी कोई चेंज नहीं हो रहा है यह आपका आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन राइट हो जाएगा आईसो मतलब, से, मतलब सेम मैट्रिक मतलब लंबाई यानी सेम लंबाई इसमें कोई चेंज नहीं होता है क्वेश्चन नंबर फाइव है गोनियोमीटर से मापा जाता है तो दोस्तों गोनियोमीटर से तनता यानी कि फ्लैक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है और जोड़ों के कोड को क्वेश्चन नंबर छः है कि मनोरंजन एक खेल एक भाग है तो दोस्तों मनोरंजन जैसे कि ये पाठ योजना यानी लेसन प्लान का भाग है पाठ योजना में सबसे पहले हम असेंबली में खड़ा खड़ा करते हैं वार्मिंग अप कराते हैं अकॉर्डिंग टू गाइड खड़े खड़े सूर्य की विपरीत दिशा में ठीक है और वार्मिंग अप कराने के बाद एक स्किल गेम खड़ा कराते हैं या कोई एक्टिविटी कराते हैं उसके बाद एक मनोरंजन गेम कराते हैं उसके बाद डिसमिसल करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है श्वेत रक्त कड़ों का जीवन काल होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ होता है दोस्तों दो से पाँच दिन होता है जैसा कि आप जानते हैं दस से बारह दिन प्लेटलेट्स का होता है नब्बे से एक सौ बीस दिन आरबीसी का होता है और श्वेत रक्त कड़ी का जो है ए, इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना जब कभी रुगाणु शरीर के कि किसी भाग में प्रवेश करते हैं तब श्वेत रुदी कड़िकाएं एक बड़ी संख्या में उस स्थान पर पहुंच जाती हैं और रोगाणुओं को चारों ओर से घेर कर रासायनिक तथा मल युद्ध आरंभ करती हैं आक्रामक रोगाणुओं को अपने पादपों की सहायता से यह निकल जाती हैं इसलिए इन्हें भच्छाड़ू यानी कि साइगो सिटिक भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर एट है टाइलिन पाया जाता है जैसे कि हमारे मुख में ये पाया जाता है मुख के लार में जो सेलेवरी ग्लैंड होती हैं उस तीन जोड़ी ग्लैंड होती है तीन कान की तरफ जबड़े के तरफ और तीन बाएं जबड़े के तरफ। इस ए, की तरफ ये लार ग्रंथ यानी कि ग्लैंड से यानी कि लार निकलता है जिसमें टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन और माल्टो नमक जिसमें जो आपका टाइलिन होता है ये माध्यम से इस यानी कि कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लाइकोजन पर अभिक्रिया करता है और उन्हें माल्टोज में बदल देता है और भोजन के गले के नीचे उतरते समय और अमाशा में पहुंच जाने के लिए या कुछ देर बाद मतलब सहायता करता है लार में मिल करके इसलिए इसको एमाइलेज सलाइवा भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में नहीं दिखाई देता है धुल्ला दिखाई देता है और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि कोई वस्तु का कलर नहीं दिखाई देता है तो हमारी आँखों में दो सेल होती हैं रोड सेल और कोन सेल जो रोड सेल होता है वो अंधेरे में एक्टिव रहता है अंधेरे में वस्तु को पहचानने में तो अंधेरे में का फर्क बताता है तो जब को रोड सेल खराब हो जाता है रोड सेल में जो रावसिन लेयर होता है वो ख़राब हो जाता है तो रतौली होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस लेकिन जब कौन सेल का क्या कार है तो कौन सेल रंगों में अंतर करने की क्षमता बताता है कौन सी वस्तु किस रंग का है तो जब कौन सेल खराब हो जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वाणता या कलर बीजन जिसे कहते हैं रोग हो जाता है जिसमें जो है ये दो प्रकार का होता है एक पूर्ण वर्णता यानी कि टोटल कलर ब्लाइंडनेस एक आंशिक वर्णता होता है जिसमें लाल और हरे रंग देखने में दिक्कत होता है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाल व हरे रंग क्वेश्चन नंबर दस है गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था तो दोस्तों इसको किया था पिनकस ने अमेरिका के पिनिकस नामक वैज्ञानिक ने गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार उन्नीस में किया था ये गोलियां लिंग हार्मोन हार्मोन में होते हैं, होते हैं हैं जो कि गोलियों के रूप में मुख्य मुख मार्ग से लिया जाता है इसमें एस्ट्रोजन पोजेस्ट्रॉन होता है इन गोलियों के चक्र को 21 दिनों तक लिया जाता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है दोस्तों तो ये हम डी जांच द्वारा डीएनए टेस्ट के द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पहचान सकते हैं अंतर कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि हमारे जो कोशिका के केंद्रक होता है न्यूक्लियस उसमें लंबे धागे के समान क्रोमटिन जालिका होती है न? और कुंडलित आकार की और आगे चल के जो जो क्रोमोटीन होते हैं क्रोमोसोन्स होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो डीएनए जो होता है डेन से जीन का निर्माण होता है और जीन जो है अनुवांशिकता का वाहक होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुड़ों का हस्तांतरण करते हैं और डीएनए के रूप चित्र की खोज जेम्स वार्सन क्रिक ने किया था उन्नीस में इस खोज के लिए इन्हें उन्नीस सौ में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया डी एन ए डी न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है क्वेश्चन नंबर बारह है कि लचीलापन लाने के लिए खिंचने वाले प्रमुख में से कौन कौन से हैं दोस्तों यहाँ पे हम हेमेस्टिंग मसल्स जो हमारे पिछले जांग के पास होती है जो आपके घुटने को मोड़ने में काम आती है ग्लूटस मसल्स जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस क्वारिसिप्स ट्राइसिप इस सभी चीज़ें हम फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ऑल ऑफ द एवअप ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तेरह है शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं तो दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी की जहाँ बात आए या क्रिया या प्रक्रिया के शब्द शारीरिक आंदोलन की बात आए वहाँ पे आपका डाइलब आवरिट यूफर का परिभाषा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी है लेकिन जब व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन का बात आए तो वहाँ पे आपका कैसिडी का परिभाषा होगा तो डेलबर्ट ऑर्बेड का परिभाषा आया भी था टी आर फोर थ्री में ठीक है बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर चौदह है कि में से स्वास्थ्य की सर्वोत्तम सूचक की पहचान क्या है आइडेंटिफाई देश इंडिकेटर ऑफ हेल्थ फ्रॉम द फॉलोइंग दोस्तों स्ट्रॉन्ग मसल्स ताकतवर मांसपेशियाँ ही आपको बताता है कि आप स्वस्थ हैं मोटा होना स्वस्थ है नहीं लंबे समय तक सोना भी नहीं है अधिक मात्रा में खाना खाना भी इतने सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पंद्रह है चार सौ मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्धव्यास यानी रेडियस जो है छत्तीस दस आठ है एक मीटर है तो एक स्ट्रेट की दूरी क्या होगी दोस्तों इसकी दूरी हो जाएगी चौरासी दशमलव तीन एक मीटर चौरासी दशमलव एक तीन मीटर जैसे कि आप जानते हैं चार सौ मीटर ट्रैक में स्ट्रेट लाइन और करो लाइन होता है इसका आपको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर सोलह है इनमें से कौन अभिप्रेड़ा के सिद्धांत की जीव वैज्ञानिक अधिगम है following तो इज बायोलॉजिकल लर्निंग theory ऑफ मोटिवेशन तो दोस्तों बायोलॉजिकल लर्निंग theory की बात कर रहा है जैव वैज्ञानिक अधिगम अभिराकी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उद्गार का सिद्धांत यहाँ पे उद्गार से मतलब है सहज प्रवृत्ति जो आपकी जैविक होती है जन्म से विद्यमान होती है उद्गार यानी कि इंस्टिक्ट योग थ्योरी यहाँ पे इंस्टिक थ्योरी होना चाहिए था ठीक है दोनों का मतलब सेम है तो इंस्टिक यानी सहज प्रवृत्ति किसी व्यवहार विशेष की तरफ जीवों को स्वाभाविक झुकाव को कहते हैं सहज प्रवृत्ति में कोई प्रशिक्षण के बिना ही प्रयोग के लिए जा लिए गया तैयारी रहती है ये प्रवृत्तियाँ जैविक रूप से प्रेरित होती है जैसे आग में हाथ डालते ही आप हटा देंगे तुरंत जैसे कि आपके खाना स्वादिष्ट देखते ही मुँह में लार आ जाना इस जैविक प्रक्रियाँ है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्रह है कि पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है तो दोस्तों पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई दो सौ सत्तर गुड़े एक सौ अस्सी मीटर होती है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दो सौ सत्तर गुड़े एक सौ अस्सी मीटर गोलों के बीच का फासला दो सौ पचास गज होता है गोल पोस्ट के बीच की जो चौड़ाई होती है आठ गज होती है क्वेश्चन नंबर अठारह है खो खो खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है तो खो खो खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई सत्ताईस गुड़े सोलह मीटर होती है दोस्तों और जो लॉबी होता है आपका मान लीजिए ये आपका मैदान हो गया ये आपका लॉबी हो गया तो लॉबी जो होती है वो डेढ़ डेढ़ मीटर का होता है तो सत्ताईस और डेढ़ डेढ़ तीन दोनों तरफ तो चौड़ाई हो गया तो सत्ताईस उनतीस तीस यानी कि कुल लंबाई हो जाएगा तीस मीटर याद रखिएगा लॉबी को लेकर के क्वेश्चन नंबर उन्नीस है प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीता तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल में खेलों का आयोजन चार मार्च उन्नीस सौ इक्यावन को नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में हुआ था प्रथम एशियाई खेलों में ग्यारह देशों के पच्चीस सौ प्रतिभागियों अधिकारियों ने भाग लिया और प्रथम एशियाई खेल में भारत ने ईरान को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीता किसको तो हरा करके ईरान को हरा कर दो का जो आपका एशियन गेम था वह जो चीन में होने वाला था वो 2023 में संपन्न हुआ है क्वेश्चन नंबर बीस है कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे महावीर चक्र जो है सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है यह वीरता का दूसरा बड़ा पुरस्कार है पहला परमवीर चक्र होता है और महावीर चक्र जो है सैन्य क्षेत्र में जल थल में विशिष्ट पराक्रम साहस या बलिदान के लिए दिया जाता है इसका पदक रजत बना रजत का बना होता है क्वेश्चन नंबर इक्कीस है हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन दोस्तों एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में होता है इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बनना है हीम प्लस ग्लोबिन हीम मतलब आयरन ग्लोबिन मतलब प्रोटीन यानी कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है ग्लोबिन प्रोटीन से इसलिए एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीजन को बांधने की इसमें क्षमता होती है प्रत्येक स्तौमल रक्त में पंद्रह ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और एक ग्राम हीमोग्लोबिन वन जो है ग्राम ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है हीमोग्लोबिन कुछ निरापन लिए जाता है यही कारण है कि मनुष्य में सिराओं का रंग थोड़ा बैगनी कलर का होता है क्वेश्चन नंबर है कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन करते हैं दोस्तों उद्घाटन ओलंपिक खेल का कौन करता है मेजबान देश का राष्ट्रपति या अध्यक्ष करता है और समापन आईओसी का अध्यक्ष करता है तो यहाँ पे आई उद्घाटन जो है मेजबान देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति करता है तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा समापन होता तो प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी होता बट यहाँ पे कोई भी आंसर ठीक नहीं है ठीक है उद्घाटन मेजबान देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति करता है जबकि समापन की घोषणा आईओसी का अध्यक्ष करता है यानी कि समापन कैसे होता है कि स्टेडियम में मार्च और मैदान के बीच एक होते हैं मार्च पास्ट होता है और तीन ध्वज फहराए जाते हैं समापन के समय सबसे पहले यूनान के ध्वज को वहाँ की राष्ट्रगान की धुन के साथ फिर दूसरे नंबर पर मेजबान देश के ध्वज को फिर तीसरे नंबर पर अगले देश का ध्वज वहाँ के राष्ट्रगान की धुन के साथ जहाँ अगले ओलंपिक होना है ओलंपिक की समापन की घोषणा आई का अध्यक्ष करता है फिर ओलंपिक को ध्वज को नीचे उतारा जाता है जिसे आई का अध्यक्ष नगर के गवर्नर या मेयर को सौंपता है है वह उसे अगले ओलंपिक के आयोजन तक सुरक्षित रखता है क्वेश्चन नंबर तेईस है शारीरिक शिक्षक के गुण होने चाहिए क्वालिटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव ऑल तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के गुण क्या होना चाहिए उसके अंदर निपुणता स्किल स्किल्ड स्किल होना चाहिए निपुण कुशलता होना चाहिए पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए एंड लीडरशिप भी अच्छा होना चाहिए तो ऑल ऑफ द एव आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात अभिज्ञता का सर्वांगी विकास कर सके बच्चों का क्वेश्चन नंबर चौबीस है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं पीपल विद इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और इंटरेस्टेड इन तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं अंतर्मुखी होते हैं वो अपने यानी स्वयं में रुचि रखते हैं उतना समाज से मतलब नहीं रखते अपने काम से काम मतलब रखते हैं स्वयं का पति चित्र पसंद करते हैं विचारों का विश्लेषण करते हैं तथा वे सामाजिक गतिविधियों में स्थान पर एकांत गतिविधियां पसंद करते हैं बहिमुखी व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं जो सामाजिक गतिविधियों में करना पसंद करते हैं इसको कालजुंग बांटा था इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड एमरोवर्ट नेक्स्ट दोस्तों तो खाली समय का सदुपयोग होता है तो यहाँ पर खाली समय में आप लोग क्या करते हैं पिकनिक वगैरह कुछ पार्टी वोटी मनाने जाते हैं तो खाली समय का सदुपयोग क्या है पिकनिक ठीक है और शिक्षाप्रद होना चाहिए सामाजिक होना चाहिए अदरवाइज वह उपयोग नहीं माना जाएगा ठीक है जैसे कि आपका ये बटलर साहब ने कहा है कि मनोरंजन को इस प्रकार भी माना जा सकता है कि किसी भी प्रकार के खाली समय को अनुभवों अथवा गतिविधियों जिसमें व्यक्ति विशेष अपनी रुचि के अनुसार स्वयं की संतुष्टि और मनोरंजन करता है जो कि उसके पास सीधे ही आती है क्वेश्चन नंबर छब्बीस है कौन सी संक्रामक बीमारी हैंसेस की बीमारी के रूप में जाना जाता है विच इन्फेक्टियस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हेंसेस डिजीज तो दोस्तों कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी जिसे हम कोड कहते हैं उसके हैंसेस डिजीज भी बोला जाता है जो माइक्रो लेप्री नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है यह या दीर्घकालिक यानी कि क्रोनिक डिजीज़ है इससे मानव की त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जो इसमें छह रोग है जिसे हम तपेदिक या टीबी कहते हैं वो माइक्रो बैक्टेरियम टीवरकोलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है जो अक्सर फेफड़ो यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है इस रोग का इलाज रो, रोकथाम योग्य है जो हेपेटाइटिस होता है ये जिसे पीलिया भी कहते हैं एक वायरल डिजीज है जो लीवर को प्रभावित करता है रेबिज जो है वो भी वायरस से फैलने वाला रोग है रेहेबडो वायरस से यह मुख्य कुत्ते या बिल्ली या संक्रमित स्तनधारियों को काटने से फैलता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है अलर्ट रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है ऐसे रोगियों को क्वेश्चन नंबर सत्ताईस है पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है तो दोस्तों पिरामिड टूर्नामेंट जो है चैलेंज टूर्नामेंट का भाग है चैलेंज टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है लेदर टाइप यानी सीढ़ी प्रकार दूसरा पिरामिड टाइप पिरामिड टूर्नामेंट भी दो प्रकार का होता है किंग्स टूर्नामेंट और कॉप वेब टूर्नामेंट जिसे कॉवे टूर्नामेंट को साइडरवे विधि भी कहा जाता है तो टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप टूर्नामेंट वाले प्रेजेंस में जाइए तो यहां पे पिरामिड टूर्नामेंट किसका भाग है चैलेंज टूर्नामेंट का क्वेश्चन नंबर 28 है एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है तो दोस्तों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और कार्बनिक दो भागों में बटा गया है पोषक तत्वों को कार्बनिक में आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आता है यानी कार्बन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन विटामस आते हैं जो छानवे परसेंट भाग हमारे शरीर का हिस्सा होता है ज़रूरत होता है और चार परसेंट भारत पर खनिज लवण होता है तो यहाँ पे चार परसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंने इसको हेल्थ एजुकेशन जो प्लेलिस्ट है उसमें अच्छे से बताया हुआ है उसे जाकर आप देख लीजिए ठीक है यानी कि हमारे आहार में खनिजों की बहुत आवश्यकता होती है मानव शरीर का लगभग चार परसेंट भाग खनिज तत्वों का बना होता है यदि भी इनकी अल्प मात्रा ही शरीर को खपत होती है परंतु इसके बिना शरीर सुचारू रूप से क्रियाशील नहीं रह पाती असंभव होता है स्वस्थ धातु अस्थियों मांसपेशियों इत्यादि के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है क्वेश्चन नंबर उनतीस है विटामिन डी किसमें पाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे मक्खन यानी कि बटर लीवर, अंडा इस सभी में विटामिन डी पाया जाता है विटामिन डी जो है मक्खन घी अंडे मछली के तेल इत्यादि पाया जाता है या सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य के की कीड़े या अल्ट्रावायलेट कीड़े त्वचा तो में उपस्थित इग्रे स्टीरोल को विटामिन डी में प्रवित कर देते हैं याद रखिएगा त्वचा तो में स्थित एक इग्री एस्टिरल को किसमें प्रोरित कर देते हैं सूर्य की किरणें विटामिन डी में क्वेश्चन नंबर तीस है हीमोफीलिया में होता है तो दोस्तों हेमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता क्या नहीं होता है रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता एक अनुवांशिक डिजीज़ है जमजात है जिसमें रक्त के थक्का बनने में क्षमता नहीं होती है। इस रोग में शरीर पर घाव हो जाने पर या चोट लग जाने पर कट जाने पर रक्त बहता ही रहता है जैसे कि जो हेमोफीलिया होता है अनुवांशिक बीमारी है याद रखिएगा हमारे शरीर में जो यकृत में बनने वाला एक पदार्थ होता है हिपेरिन जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता तरल अवस्था में रहता है हिपेरिन हवा के संपर्क में आने पर प्रभावहीन हो जाते हैं और अन्य तत्व जो रक्त में को जमाने वाले हैं एक्टिव हो जाते हैं लेकिन कभी कभी किसी संक्रमण के कारण ऐसा होता है कि इसमें हिपेरिन अनुवांशिक बीमारी होता है कभी कभी इसमें हिपेरिन इतना एक्टिव हो जाता है कि फटने या कटने के बाद भी हवा के संपर्क में आने के बाद भी एक्टिव रहता है और कटने के बाद भी नहीं जमने देता और ब्लड रुकता ही नहीं है और मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से यह शुरू हुआ तो याद रखिएगा फाइब्रोनोजन प्रोथोम्बिन हैपेरिन ये तीनों का निर्माण याकृत में होता है जिसमें फाइब्रोनोजन प्रोथोमबिन जो है दोनों रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है हेपेरिन जो होता है हमारे रक्त शरीर के अंदर रक्तवाहनियों में रक्त को जमने नहीं देता है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर इकतीस है माइट्रोकॉन्डिया भी कहलाता है तो माइट्रोकॉन्डिया को आप जानते हैं और वो सब सेल कहा जाता है तो ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा केंद्र इसको कहा जाता है एनर्जी सेंटर ऑफ सेल और जो वायुवी शोषण के द्वारा यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है जिसमें छत्तीस ए का निर्माण होता है क्वेश्चन नंबर बत्तीस है कि नोनीता लाल संबंधित हैं तो दोस्तों पूछा जाता है कि कौन ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है एक दो तो ये सभी टॉपिक आप याद रखिएगा नुनीता लाल जो है गोल्फ से संबंधित हैं और आज से लगभग चार सौ वर्ष पूरे इंग्लैंड में गोल्फ खेलने जाने का शुभारंभ हुआ था याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर तैंतीस है रक्त के प्लाज्मा में जल होता है तो दोस्तों आप जानते हैं कि रक्त दो प्रकार का होता है एक ब्लड प्लाज्मा और एक रक्त कड़ी का ठीक है प्लाज्मा जो होता है द्रवी भाग होता है और जो ब्लड सेल्स होता है रक्त कड़ी का वो ठोस भाग होता है जो प्लाज्मा होता है हमारे रक्त का पचपन परसेंट भाग होता है और जो ब्लड सेल्स होता है पैंतालीस परसेंट भाग होता है ब्लड सेल्स के अंदर अगर आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स होता है प्लाज्मा जो होता है हल्की पीले रंग का छारी द्रव होता है प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही यह अर्ध तरह चिटीपासा बना रहता है प्लाज्मा में नब्बे परसेंट जल होता है तो कितना होता है नब्बे परसेंट आठ परसेंट प्रोटीन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट सॉल्ट एंड जीरो पॉइंट वन परसेंट कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा क्या करते हैं प्लाज्मा में जो है प्रोटीन जो आठ परसेंट होते हैं इसमें एल्मीन ग्लोबुलिन प्रोथोमबीन फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है याद रखिएगा और भी पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम एंटीजन आदि का परिवहन करता है प्लाज्मा का कार्य क्या होता है दोस्तों प्लाज्मा पोषक तत्वों को जैसे कि नमक ग्लूकोज अमीनो एसिड को उत्तकों तक पहुँचाता है और फिर वहां से जो बेकार पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया लैक्टिक एसिड सी को बाहर निकालता है क्वेश्चन नंबर चौतीस है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है ग्वेटर डिजीज इज बॉई द डिफिशियंसी तो दोस्तों ये आपका थायराइड ग्रंथि से इस्ताब होने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन की कमी से होता है ठीक है थैराक्सिन की कमी से होता है यानी थैराक्सिन हार्मोन में अधिक मात्रा में स्थावित होता है तो आयोडिन हो जाता मात्रा में आयोडिन होती है सॉरी दोस्तों थैराक्सिन हार्मोन में जो है अधिक मात्रा में क्या है? होती है तो आयोरिन होती है अतः आयोडिन की कमी से यह रोग हो जाता है अगर थायरेक्सिन की चावल कम हो जाता है इसके हार्मोन की कमी हो जाती है तो आयोडिन की भी कमी हो जाती है इस रोग में थायराइड ग्रंथि में के आकार में वृद्धि हो जाती है जिसके फलस्वरूप गला जो है वो फूल जाता है दोस्तों ये था आज के सेशन में चौंतीस एमसी की क्वेश्चन आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए जिससे और लोग तक वीडियो पहुँच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जय हिंद